तो ये देखो सामने फाइनली चांद आ गया भाई, आ गया। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा। शाम को जिस हिसाब से बादल लगे थे तो मुझे लगा वैसे ये चांद बहुत लेट आएगा, और बादल लगे तो उसके पीछे वैसे ही नहीं दिखेगा। तो अभी मैं आपको टाइम बताता हूँ। तो दोस्तों, जो पिछली 3-4 दिन से बहुत ख़तरनाक बारिश चल रही थी, तो बारिश रुक गई है और अब मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है। सुबह सुबह गुनगुनी धूप का ऐसा समय हो रहा है और नीचे बन रहा है नाश्ता। बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने की और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ नाश्ता करने की, और उसके बाद आपको पता ही है देखते आगे हम लोग क्या करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक ज़रूरी काम है। तो जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, ठंड लगभग बढ़ गई है, लगभग शुरू हो गई है यहाँ पे। और जो हमारी गौशाला है उधर तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, आने वाले 3 महीने ये लगा लो बहुत ज़्यादा ठंडा रहने वाला है वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसलिए हमारी ये जो छोटी बछरी है, हम इसको घर में ले आते हैं धूप सेकने के लिए, है ना बाबू। तो जो गाय है वो तो रह जाती है, थोड़ा झेल लेती है, तो हम बछरी को ले आते हैं घर में और फिर इसको यहाँ पे छाँस पिलाएंगे, रोटी खिलाएंगे, उसके बाद ले जाएंगे गौशाला में, फिर धूप उधर को चली जाती है शाम को। तो अभी थोड़ा चक्रचाल हो रखा है घर में, मतलब फैला हो रखा है, बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो फिर भाभी या मम्मी लग के इधर ठीक करेंगी। तो अभी मेरे लिए बोल रखा है कि कोदा की पोटली जो है छत पे रख के आऊँ मैं। ओह, तो ये साबुत कोदा है, अभी कोट नहीं रखा है, इसके दाने अलग नहीं कर रखे हैं। तो फिलहाल इसको सुखा देते हैं, क्योंकि जो बारिश हुई थी उसकी वजह से इसमें थोड़ी सी सीलन सी आ गई है ऐसे। तो अभी इसको ऐसे फैला देंगे बिल्कुल पतला करके, और जब ये बिल्कुल सूख जाएगा, करारा हो जाएगा, तो फिर इसके दाने बहुत आसानी से जो है अलग हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कोदा नहीं हो रखा है इस बार, क्योंकि खेती नहीं कर रखी थी हमने, तो इसलिए इतना ही जो है हाथ लगा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और मैं सुनील अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी जंक्शन के एक और नए ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, साधारण पहाड़ी जीवन से संबंधित एक और ब्लॉग हम लोग आगे शुरू करते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। पहले हमारी ये वाली छत थी और इतना अनाज होता था कि यहाँ पे सुखाने के लिए जगह नहीं होती थी, कि कहाँ पे दाल सुखाए, कहाँ पे हम लोग कोदा सुखाए, कहाँ पे झंगोरा सुखाए, कहाँ पे मिर्ची सुखाए। और अब देखो, इस बार बस ये कोदा है और वो थोड़ी सी दाल है, बस हो गया जी। जयराम जी की बंदरों की माया और लंगूर सुअरों की कृपा। दगड़ी थे हमारा जरे से रयान से, और उन न्यू होने हम हर लोबिया दाल बोल रहा हो, जबकि हमारे गढ़वाल हम लोबिया हर होती, और जब हम शहरों में ये दाल के बांध जाता हो दुकान में तो ये खड़े लोबिया बने जाने। तो चलो, इसको फैला के रख दिया है और शाम को इसको यहीं पे इकट्ठा करके और ढक जाएंगे, ताकि इसमें जो आजकल पाला गिर रहा है, ओस गिर रही है, उससे फिर से मतलब गीला ना हो। और जैसे ही 1-2 दिन छत में अच्छे से सूख जाएगा, देखते हैं, वैसे तो ये सूख रखा है, हम लोग कोशिश करेंगे शाम को इसको कूटने की, इसके दाने अलग करने के। तो फिलहाल अभी इसको फैला हुआ छोड़ देते हैं यहीं पे। तो चलते हैं जी नीचे और करते हैं नाश्ता। तो दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे ब्लॉग थोड़ा लेट लेट आ रहे हैं, जो मेरा पिछला ब्लॉग था वो बहुत लेट आया था,
और ये ब्लॉग भी आपको 2-3 दिन बाद देखने को मिल रहा होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि चलो फिर कभी डिस्कस करेंगे, फिलहाल मेरे बाल वाल हो रखे हैं बड़े बड़े, मुझे ये कटाने भी जाना है। शेविंग तो मैं घर पे कर लेता हूँ, तो देखते हैं आज बीरोखाल जाते हैं या क्या करते हैं। हेलो बच्चा पार्टी, क्या उल्टे काम कर रहे हो? दुई। तो नाश्ता करके और मैं जा रहा हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने, साथ ही वहाँ से जाऊँगा बीरोखाल, क्योंकि आज करवा चौथ के व्रत है, भाभी के लिए भी सामान लाना है, कुछ और काम भी है। तो आज अपन टूर पे निकल रहे हैं और बाल देखो कैसे हो रखे हैं। तो आज बच्चे मेरी वजह से लेट हो गए, वैसे इनकी प्रार्थना अभी तो नहीं हुई लेकिन फिर भी। तो ये देखो जो बारिश हुई थी उसकी वजह से यहाँ पे ये छोटा सा नाला टाइप का, यानी छोटी सी नदी आ जाती है जिससे बच्चों को स्कूल आने में दिक्कत होती है। अब तो खैर काफ़ी कम हो गया इसका पानी। कानो बाय। तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैंने अपने गांव में पता किया, जो करवा चौथ का सामान होता है वो यही मिल जाता है, तो बीरोखाल का काम थोड़ा पेंडिंग रह जाएगा। तो ये मिल गया करवा चौथ का सामान और बीरोखाल जाना फिर से कैंसिल हो गया। तो दोस्तों मैं थोड़ा टी शर्ट चेंज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ठंड लग रही है इस वक्त, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्की फुल्की ठंड शुरू हो गई है, और ऐसी ठंड में अगर लापरवाही की जाए तो फिर तबीयत ख़राब बड़ी जल्दी होती है ना। तो मैं टी शर्ट चेंज कर लेता हूँ पहले। तो ये पूरी बाजू की ब्लैक टी शर्ट डाल ली है, और काले कपड़े वैसे भी गर्म होते हैं सर्दियों के लिहाज से। अरे क्या हो गया रॉके, क्या हुआ? क्या हुआ रॉके, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? खा दे, शाबाश शाबाश, खा दे खा दे। तो दोस्तों पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, इधर मम्मी ने राई मेथी लहसुन धनिया बो रखा था, और अभी देखो लहसुन कितना बड़ा बड़ा हो गया ये देखो। और अब मुझे करना है अपने लिए शाम के लिए सब्जी का जुगाड़, यानी इधर करेले लगे होंगे तो करेले तोड़ने हैं, और बाकी लौकी तो दिख नहीं रही है। तो ये देखो इससे थैली मंगाई और ये पूरा बैग ले आया, शॉपिंग बैग। अबे इतना बड़ा करेले बहुत कम हो रखे इस बार, दूर दूर हो रखे, कहीं कहीं गिने चुने। तो फिर आज के लिए भी हो जाए तो वो भी बहुत है। तो ये हमारी करेले की बेल, और यहाँ से तोड़ते हैं कुछ करेले, ये देखो इतनी दूर दूर। ये देखो बिल्कुल ताजे करेले, फ्रेश एकदम और शुद्ध ऑर्गेनिक। कानों का डांस है तो फिलहाल आज के लिए बहुत है इतने करेले। ओ भाई साहब कैसे लाए, और इतने लेके मैं उतरता हूँ नीचे, है ना। तो इनको रख देता हूँ मैं यहाँ कमरे में, यानी किचन में। तो दोस्तों आज करवा चौथ का चांद दिखने वाला नहीं है क्योंकि बाहर इतने घने बादल लग गए कि पूरा आसमान ढक गया है। तो हम टीवी में देखेंगे कि कितने बजे जो है चांद निकलता है, उसके हिसाब से व्रत खोला जाएगा मे बी, क्योंकि आसमान पूरा ढक चुका है। तो थोड़ी देर पहले तक बादल लग गए थे बढ़िया वाले, अभी
मतलब तारे लग गए हैं आसमान में, और उम्मीद तो की जा रही है कि जल्दी चांद निकलेगा, लेकिन ये करवा चौथ वाला जो चांद होता है ये वैसे ही और दिन के मुकाबले ऐसा लगता है कि बहुत लेट जो है निकल रहा है। तो देखते हैं कब तक चांद निकलता है। पकना ची पकना ची ये देखो इनका बोलना बंद ही नहीं हो रहा महाराज जी का। कैपो चुप चुप चुप। तो मुझे लगा डॉग क्यों भौंक रहे हैं, उधर एक मृग बोल रहा है, यानी जैखण गढ़ बोल दो काखड़। तो ये देखो सामने फाइनली चांद आ गया भाई, आ गया, वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा। शाम को जिस हिसाब से बादल लगे थे तो मुझे लगा वैसे ये चांद बहुत लेट आएगा, और बादल लगे तो उसके पीछे वैसे ही नहीं दिखेगा। तो अभी मैं आपको टाइम बताता हूँ, 8:40 हो रहे हैं। तो ये देखो यहाँ तैयारी हो गई है। हेलो कैसा लग रहा है, भूख भी लग रहा है? बहुत नहीं लगी सर। वो है कौन है वीडियो कॉल कर रहा? एक मिनट का। हेलो हेलो आ गया रे चांद आ गया। हाँ ओके ओके पानी तो ये देखो ऐसे बनाया जा रहा है पूरे आने पूरे। तो ऐसे करवा चौथ का व्रत खोला गया इंटरनेट के ज़माने में, और जब इंटरनेट की इतनी सुविधाएं नहीं थी, वीडियो कॉल नहीं थी, तो तब फोटो सामने रख के और व्रत खोला जाता था। जिन पत्नियों के पति जॉब करते थे बाहर रहते थे, तो चलो ये भी फायदा है। चलो बेटा इधर आ जाओ, इना आओ, खा लो तुम अपन व्रत खा लो। क्या भूख लगे अभी तक? तो एक्चुअली मुझे लगा व्रत खुल गया, लेकिन भाभी गई है ऊपर भोग चढ़ाने, तो ऊपर से आ रही है भाभी। उसके बाद पहले व्रत खोला जाएगा, फिर हम लोग खाएंगे, है ना बच्चा? भूख लग गया है? हाय बोल दे। कविता सुनाई दे, मछली जल की जीवन उसका हाथ लगाओ बाहर निकालो डर गया। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार अगर पहाड़ी जंक्शन चैनल पे आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो हम जल्द मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, तो तब तक आप सब पहाड़ी जंक्शन चैनल पे जुड़े रहें, अपना प्यार अपना सहयोग यूं ही बनाए रखें। बाय बाय।